क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है जिसमें फौजी तो होंगे लेकिन उनका कोई रैंक नहीं होगा, कोई पद या डेजिग्नेशन नहीं होगा? क्या आपने कभी ऐसे फौजियों के बारे में सोचा है जो फौज को अपनाने से पहले ही बेगाने कर दिए जाएंगे? क्या आपने देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों के बारे में सुना है जो सरहद पर लड़ने के दौरान इस बात के लिए ज्यादा परेशान रहेंगे कि उनकी नौकरी जाने वाली है? क्या आपने कभी ऐसे सैनिकों के बारे में सोचा है जिन्हें अपनी सेना में रहते हुए या सेना से जाने के बाद भी ना तो कोई कैंटीन सुविधा मिलेगी ना ही कोई मेडिकल सुविधा? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद तो 5 साल तक के लिए हो सकते हैं पर सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए हो सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद को तो 5 साल के बाद पेंशन मिल सकती है लेकिन सैनिक को 4 साल की देश सेवा के बाद पेंशन नहीं मिल सकती है? ये सारे अविश्वसनीय, अप्रत्याशित और असंभव काम को कर दिखाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसीलिए आज मेरा आप सबसे व्यक्तिगत निवेदन है, अगर आप कट्टर देशभक्त हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो आपको आज की ये रिपोर्ट, आज का ये वीडियो न सिर्फ पूरा देखना होगा बल्कि इसे अपने एक एक मित्र परिजन तक भी पहुंचाना होगा, क्योंकि आज बात देश की है, हम सबके भारत की है, भारत की सुरक्षा की है, भारत की संप्रभुता की है। आज बात हो रही है मोदी सरकार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रोड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा, जब बेंचों तुम लोग पार्टी कर रहे होते ना वहां पर अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मैस में जब तुम पार्टी करते हो बेंचों, हमें तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं कोई अमीर का लौंडा आज तक। Yeah!
क्या एकत्रित हुए तो वो एक लिख के दे दीजिएगा, सब लोग ऊपर भेज देंगे। ये लक्ष्मीबाई नगर इंदौर को तबाह करने के लिए हमारे शेर निकल पड़े हैं और बाकी वहाँ पे करीबन 1000 बंदे वहाँ पर मौजूद है लक्ष्मीबाई नगर में, और ये इतने बंदे इंदौर से जा रहे हैं। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है, दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, बनो। केला का छोरा फौज में बाट बाट में उस माँ की भी आत्मा मर गई, और इस नकली सरकार ने नए रूल के बनाए, बड़का की इसी तीसी कर दी, और हमने लागन खातर 5-5 साल रेस मारी, अरे भी न के गिरा फौज तोड़ के 4 साल की मजदूरी कर दी, 4 साल की मजदूरी। साथियों नमस्कार। साथियों बीजेपी का जो नया फरमान आया है उसमें आगे जो फौजी भर्ती होंगे वो केवल 4 साल के लिए होंगे और 4 साल बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। कई साल उनको ट्रेनिंग लेने में लगते हैं एकेडमियों में, उसके बाद वो भर्ती होंगे, केवल 4 साल नौकरी करेंगे। सरकार ने ये एक तो उनको तनख्वाह कम देनी पड़ेगी, उनको सुविधा कम देनी पड़ेगी, उनकी रिटायरमेंट पेंशन नहीं होगी, और दूसरा जो है इसमें किसानों और मजदूरों के बच्चे जा रहे हैं ज़्यादा, और वो किसानों और मजदूरों का ये मिलिट्री में एक रोजगार था वो भी आपसे किनारे कर दिया गया है। और हमें ये लगता है कि जो अंबानी अडानी जैसी कंपनियों को ट्रेनिंग किए हुए जवान चाहिए, वो ट्रेनिंग किए हुए जवान ये उनको मिल जाएंगे, ये उनके लिए काम करेंगे बाद में, और तो कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है। तो साथियों बहुत अहम मैटर है, सारी जो पूरा हमारा वर्ग है उससे हर चीज़ जो किसान मजदूर काम करता है उससे हर चीज़ छीनी जा रही है, और मैं ये बेनती करूँगा कि इसमें हम सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए। मेरी सब अकेडमियों वालों से अनुरोध है कि वो सब एक दूसरे का नंबर लेके इकट्ठे हो जाएं, और इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए, और सारी राजनीतिक पार्टियों से सारे समाज सेवी संगठनों से मैं ये कहूंगा कि हमें इसका तुरंत विरोध कर देना चाहिए। ये पूरे देश का मामला और देश की सुरक्षा का भी मामला है जिसमें हम बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और इसके लिए कल हम जो बीजेपी का हेड ऑफिस है रोहतक में हुड्डा में है उसमें हम कल एक दिन के लिए वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे एक दिन के लिए। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुँचे और सभी साथी इस आंदोलन में जुड़े, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश का टोटल कारोबार टोटल बाहर की कंपनियों को जा रहा है, टोटल हमारा
जो है वो रोजगार है वो सारा छीन रहा है। साथियों, अगर इस देश को बचाना चाहते हैं तो आप सबको आखिरकार घरों से निकलना ही पड़ेगा। आखिर कब तक बर्दाश्त करोगे आप? तो कल रोहतक में आइए और अपने बड़े आंदोलन की आगे के लिए तैयारी करिए। सबका धन्यवाद।